हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लिनर किचन एट इन्हांस योर डिफरेंट स्किल्स। गर्मी का मौसम आ गया है तो बच्चे चावल खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं तो चावल बच जाता है। देखिए, उससे मैंने ये नाश्ता बनाया, बहुत ही टेस्टी और इतना सॉफ्ट कि आप मुंह में ले जाएंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा। तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये बचे हुए चावल से बना हुआ ये नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, मैं इसे टेस्ट करके बता रही हूँ कि कैसा बना है। इट्स रियली वेरी टेस्टी और यम्मी है। ये बच्चे और बड़े सभी मन से खाएंगे। आप एक बार इसे बना कर देखो, बार बार उन लोग डिमांड करेंगे। वन थिंग मोर कि ये बहुत ही कम तेल में बना हुआ ये नाश्ता है तो ये हेल्दी भी है। तो देखते हैं कि फ्रेंड्स कि ये कैसे ये नाश्ता बना है। ओके दे, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कप, मैंने कप से मेज़र किया है, दो कप ये बचा हुआ चावल, सुबह का ये चावल बचा हुआ है, ये मैं शाम को नाश्ते में बना रही हूँ, है ना। ये दो कप मैंने चावल लिया है, बॉइल्ड चावल है, रेगुलर जो चावल घर में बनता है वही चावल है। अभी से मैं ग्राइंड कर लूँगी पानी के हेल्प से। एकदम स्मूथ सा बैटर मुझे तैयार करना है, है ना। पानी का क्वांटिटी आपके चावल पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा कड़ा है या ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए, इस तरह से बैटर बना लेना है। ये मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इसका थिकनेस देखिए, इस तरह का मैंने लिया है पानी का क्वांटिटी। वैसे थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आधा कप मैंने इसी कप से चावल मेज़र किया था, दो कप, और ये आधा कप जो है मैंने खट्टा, हल्का खट्टा, ये मेरा दही है, दही जो है घर का फ्रेश दही है, है ना। और सूजी का भी मेज़रमेंट मैंने इसी कप से किया, पानी से थोड़ा सा मैं इसे धो ले रही हूँ। आधा कप मैंने सूजी लिया है और ये चला गया टेस्ट के अनुसार नमक और ये चिली फ्लैक्स। अगर चिली फ्लैक्स ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अभी से मिक्स कर ले रही हूँ और थोड़ा सा फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ पे फ्रेश कड़ी पत्ता थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है और ये फ्रेश धनिया पत्ती डालूँगी, जिससे कलर भी इन्हांस हो जाएगा और फ्लेवर तो होगा ही। इसको साइड में 10 से 15 मिनट रख दे रही हूँ ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और इधर मैंने वेजिटेबल्स कट किया है, ये आपका कैबेज हो गया, कैप्सिकम, बीटरूट, अनियन एंड गाजर। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने हरी मिर्च लिया है। इन सभी वेजिटेबल्स को मैं एक ही साथ मिक्स कर ले रही हूँ, है ना। आप इसमें बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, जो भी था वही मैंने किया। और ये थोड़ा सा धनिया पत्ती, हरी मिर्च भी चला गया। अच्छे से इस तरह से सारे वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता चला गया जो कि फ्लेवर को इन्हांस कर देगा। इसके साथ ही ये नमक, नमक थोड़ा सा पानी छोड़ता है, ये चला गया। सांभर मसाला एक चम्मच। अब ये लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका और ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। देखिए इसका थिकनेस, बिल्कुल इस तरह का बैटर चाहिए, है ना, एकदम परफेक्ट है। अब इधर मैंने तवे को गर्म करके थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया, एक्स्ट्रा ऑयल को मैं निकाल दूंगी। अब इसमें बैटर को, और यहाँ पे फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे रखेंगे, इस तरह से डालते हुए देखिए, है ना, बहुत ही टेस्टी ये बनता है ये नाश्ता फ्रेंड, और बहुत ही कम तेल लगता है। वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखा था उसे मैं इस तरह से फैला रही हूँ, है ना। और यहाँ पे इसे मैं एकदम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही बनाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से ऑयल ताकि नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, और हल्का सा ऐसे प्रेस कर देते हैं वेजिटेबल्स को ताकि स्टिक हो जाए अच्छे से, है ना। इस तरह से करते हुए ढक दें और फ्लेम को एकदम स्लो पे रखें, अच्छे से पक जाएगा ये। जब देखिए थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के बाद ये एकदम बिल्कुल देखिए, हाँ, इस तरह से पलटने लायक हो गया। तो इसे पलट ले रही, बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए आराम से, है ना। हल्का सा फिर से मैं यहाँ पे एकदम आधा चम्मच के करीब ऑयल डालूँगी, और नॉन स्टिक पे तो ऑयल बिल्कुल ही नहीं लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए एकदम लाजवाब ये नाश्ता जो है, जब आप बच्चों को देंगे या बड़ों के सभी पसंद से खाएंगे, और ये बिल्कुल जो है तैयार 7 से 8 मिनट में ये आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ, एकदम ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से और भी मैं बना ले रही हूँ, इस तरह से डालते हुए, है ना। और ये जब आप देखिए थोड़ा सा ये साइड से, तो कोई बात नहीं, आप इसको शेप दे सकते हैं, जब हल्का सा नीचे से जब पक जाए तो आप इसे शेप दे दें, है ना। और ये हल्का सा उसी तरह से ऑयल रिपीट कर देना है, वेजिटेबल्स चला गया, और ढककर इसे फिर से उसी तरह पका लेना है प्रेस करते हुए। फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता है। आप शाम के समय इसे बच्चों को दे, बड़े भी बहुत मन से खाएंगे,
है ना, ये लाजवाब एकदम बिल्कुल नया स्टाइल में बना हुआ नाश्ता। आई होप कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और खाने में भी तो टेस्टी है ही और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें तेल नाम मात्र का लगा है फ्रेंड्स। और ये मिनी पिज़्ज़ा के रूप में बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसका जो टेस्ट है ना, सांभर मसाला और कड़ी पत्ता की काम बहुत ही अच्छा आ गया। देखिए आपका मिनी पिज़्ज़ा जो है इन साउथ इंडियन फ्लेवर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। आप इसी ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या सॉस के साथ। बस बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो पलटने समय ध्यान से पलटें, है ना। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और ये बिल्कुल मिनी पिज़्ज़ा जो है मुँह में घुल जाने वाली है। देखिए मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ, रियली इट्स वेरी टेस्टी। यकीन नहीं करेंगे कि ये बचे हुए चावल से बना हुआ ये नाश्ता है। तो जब कभी भी किचन में चावल बच जाए, बच्चे ना खाए हों और वो चावल बच जाए, तो आप शाम के नाश्ते में इस तरह का एकदम टेस्टी और यम्मी मुंह में घुल जाने वाला नाश्ता बना सकते हैं। बच्चे क्या बड़े भी बहुत मन से खाएंगे, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है। मैंने तेल नाम मात्र का यूज़ किया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। एंड आई एम श्योर कि आप एक बार इसे ट्राई कर लेंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट तो लिखें ही, लाइक शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।